हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है? आज हम इनक्यूबेटर बनाने वाले हैं। दिखाते इनक्यूबेटर। ये हमारा इनक्यूबेटर है। ये हमारा दोस्त है, पड़ोसी है। ये कह रहा था अफजल भाई इनक्यूबेटर बना दो, तो मैंने इनक्यूबेटर बनाना शुरू कर दिया था। फिर मुझे याद आया यार, वीडियो बना के डाल देते हैं आप लोगों के लिए इनक्यूबेटर कैसे बनाते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। ये मैंने अमेज़ोन से इनक्यूबेटर किट मंगवाई है, ये आपको खोल के दिखाता हूँ। पंखे आए दो, ये दो बैटरी वाली क्लिप आई है, एक ये एक ये, और इसके अंदर सामान। इसके अंदर चार्जर आया है, ये कंट्रोलर। इसको फाड़ के दिखाते हैं, फाड़ियो। छोड़ दे दो, ये कंट्रोलर है। ये हमें 450 रुपये की किट पड़ी है, आपको बना के दिखाते हैं इनक्यूबेटर कैसे बनता है, बने रहे वीडियो में। Thank you.
अभी ब्लैक वाला जोड़ा है ब्लैक वाले से, दोनों पंखे के एक साथ जोड़ने हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब रेड में रेड जोड़ लें, इसके साथ साथ ये अडेप्टर का तार भी है इसमें जुड़ा हुआ, दिखाते हैं हम आपको। ये एक तार ब्लैक वाले में जुड़ा हुआ है, एक तार रेड वाले में जुड़ा हुआ है अडेप्टर का। आखिरी तक बने रहना, दिखाते रहेंगे किस में क्या करना है। कंट्रोलर बताते हैं कैसे करें। ये शुरुआत के दोनों पेज खोलने हैं, हाँ। वाले माइनस का लगाना, दूसरे वाले प्लस का। ये हमारी एलईडी लाइट है, हमने सोचा जब कर ही रहे तो एलईडी भी लगा देते हैं, एलईडी भी लगा के दिखाते हैं। इस पर एलईडी लगा देना, हम इस पर लिखा हुआ है माइनस, इधर लिखा हुआ है प्लस, इस समय पहचान हो जाएगी माइनस का किस में लगाना है प्लस का किस में लगाना है। ला भी माइनस का दियो, ये माइनस कह रहा है, जाओ इसको ऊपर खोल दूँ मैं, लो लगा लो, दिखाओ, चलो तुम कर दो। इधर के आगे की किसी की जरूरत नहीं है ना, काट दो फिर यहाँ से इसको। अभी दिखा दे फिर तुम्हें सीख फिलहाल, धूल यहाँ लग जाएगा जैसे। ये माइनस का ब्लैक वाला माइनस का पे माइनस लगाते हैं और ये प्लस का प्लस पे लगाते हैं। एलईडी हमारे पास पड़ी थी, हम इसलिए लगा रहे, वैसे ज़रूरी नहीं है एलईडी लगानी इसकी। ये जो हम येलो वाले बल्ब लगाएंगे इसमें गर्म वाले हीट वाले, तो इससे बहुत रोशनी हो जाती है। इधर शुरुआत वाले में माइनस का लगेगा, मोड़ के लगाते हैं वो माइनस का, ये लग गया, इसको पेच कस से कस देते हैं। शुरुआत में माइनस का ये वाला सही टूटा, इसको हमने फुल टाइट कर दिया, निकलेगा नहीं। और ये दूसरे में लगाते हैं प्लस का, अब सही है, अब सही टूटा है ना, ये दूसरा भी लग गया, सही है। इसको भी टाइट कर दिया, दूसरे को भी। ये हमने तार वापसी निकाल करना, ये टेप से क्योंकि उलझ रहते तार आपस में बंद रहते, तो टेप से चिपका दिए पहले तार, फिर दोबारा लगाएंगे। हम इसमें लगा के चेक करते हैं, ये चालू होता है नहीं, ये देखो ये चालू हो गया सब, मीटर भी चालू हो गया, पंखे भी चालू हो गए। ये ऐसे होगा, ये भी चालू हो गया, ये लाइटें भी चालू हो गई। अब इसमें हम आपको लगा के दिखाते हैं, इनक्यूबेटर पूरा तैयार करके दिखाते हैं। ये देखो इसमें ये आर पार छेद कर दिया अंदर देखने के लिए, हम इसमें ये लगाएंगे प्लास्टिक, ये अंदर लगाएंगे, अंदर देख सके अंडों का क्या हाल चाल है। तो देखो दोस्तों हम सेंसर चेक कर रहे हैं इसमें कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा। ये वीडियो में जलबूझ जलबूझ हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा, रियल में ऐसे सिंपल चल रहा है। I'm not going to be able to do that.
दोस्तों हमारा इनक्यूबेटर तैयार हो गया। देखो हमने एलईडी लगाई है, पूरा सक्सेसफुल हो गया। ये हमारी लाइट है, हमने दो पंखे लगाए। आपको थोड़ा सा कनेक्शन समझा देता हूँ हमने क्या क्या करा है। ये हमारी एलईडी के तार आ रहे हैं, ये सीधा इन दोनों पंखों के तार से जुड़ रहे हैं, और ये पंखे के तार, ये है पंखे के तार, मैं जाऊँ उसको बाद में ले आऊँगा, ठीक है। ये पंखे का तार है, और ये है लाइट का तार, ये वाला। ये आपस में यहाँ पर लाके ज्वाइन कर दिए, फिर ये एक साथ जल रहे, और ये हमारा तार निकल रहे इसके। नमाज के बाद ये हमारा इनक्यूबेटर तैयार हो गया, इसमें पानी भरेंगे। ये सेंसर है, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं इस इनक्यूबेटर में कुछ कमी हो तो। इधर भी हमने एक 100 वाट का बल्ब लगाएंगे, हमें हल्का लग रहा है ये हीटिंग के लिए।